हिमाचल प्रगतिशील मोर्चा द्वारा आज का जो प्रोग्राम था, सीमांचल का कैसे उत्थान हो, सीमांचल का विकास कैसे हो, इन सब मसलों को लेकर के एक सामूहिक कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम दल के विधायक और समाज के सभी बुद्धिजीवी गण थे और विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और जो निकल के आया कि एक आने वाले दिनों में जो सीमांचल के तमाम जो लोग हैं, बुद्धिजीवी गण, विधायक, उनको लेकर के बैठे, सीमांचल की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उस पर विस्तृत चर्चा हो, उसका समाधान कैसे हो, ये सब हम लोग डिस्कस किए हैं। आगे फिर जो अगली बैठक होगी फिर हम लोग उसमें देखेंगे आगे कैसे क्या करना है। प्रगतिशील मोर्चा की जानिब से आज सीमांचल के विधायकों का स्वागत समारोह था। हम तो सबसे पहले सीमांचल प्रगतिशील मोर्चा के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज का असल मुद्दा ये था कि स्वागत के बहाने यहाँ की बुनियादी समस्याओं पर बात करनी थी। बाढ़ जो एक अभिशाप है, पानी इस वक्त वरदान होना चाहिए लेकिन पानी का बहाव जो सैलाब की शक्ल में आता है वो हमारे लिए अभिशाप है, उसका अस्थाई निदान कैसे हो। और सीमांचल में जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, एजुकेशन का बिगड़ा हाल है, यहाँ से जो प्लान हो रहा है और सीमांचल जो हर क्षेत्र में पिछड़ा रह गया है, इस पिछड़ेपन का निदान कैसे हो, उसके लिए एक साझा प्रयास किया जाए। तो हमारे मोर्चा के जो जिम्मेदार लोग हैं उसने एक जिम्मेदारी हम लोग पर सौंपी है कि सीमांचल के तमाम तर विधायकों को जोड़ने का एक पवित्र प्रयास हो, क्योंकि हर नेता इसकी लड़ाई लड़ता है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान हो। तो सीमांचल में बाढ़ एक बड़ी समस्या है, इसके निदान के लिए साझा प्रयास हो और उसको एक जन आंदोलन का, अगर वो राजनीतिक मंच से, राजनीतिक प्रयास से हल नहीं हो सकता है तो सब लोग मिलकर एक जन आंदोलन चलाएं, उसकी तैयारी होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी हम पर सौंपी है और हमने इसको कबूल किया है। हरचंद के मैंने कहा कि आम जनों के दरमियान से, हमारे बुद्धिजीवियों से या जो सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं वो उठें और अपना एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाएं, बाढ़ के एक्सपर्ट्स को लेकर एक स्कीम बनाएं, एक परियोजना बनाएं और उसको ज़मीन पर लागू करने के लिए प्रयास करें, उस पर हम साथ हैं। लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, बुलाने की जिम्मेदारी तुम लो, तो हमने कबूल किया है। फरवरी के में हम कोई एक विशेष तिथि में यहीं पर लोगों को बुलाने के लिए हम प्रयास करेंगे। अब देखें उसमें जितने लोग आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि सीमांचल के समस्याओं से जिनको प्रेम है वो ज़रूर आएंगे। प्रगतिशील मोर्चा का ये उद्देश्य था कि यहां के MLAs को जो बहुत ही सी पार्टियों में बटे हुए हैं और एक तरह से मानसिक संकीर्णताएँ हैं, उससे इनको ऊपर उठाया जाए और उनको जोड़ करके जो वास्तविक विकास है सीमांचल का उसकी तरफ मोड़ा जाए, ताकि कुछ काम यहाँ हो सके। इसलिए कि ये लोग जो काम करते हैं, जो बहुत एक्टिव MLA भी होता है, वो पुल पुलिया रोड से ऊपर उठ के कुछ नहीं कर पाता, ना कुछ सोच सकता है। यहाँ अच्छे शिक्षण संस्थानों की ज़रूरत है, बाढ़ के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट व मनसूबा बनाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने ये शुरुआत किया है कि ताकि ये सब लोग एक साथ मिल के कुछ कर सकें और आगे बढ़ सकें। नहीं,